दोस्तों अक्सर देखा गया है कि बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी दूध सब्जी और फल खाने से बचते हैं, लेकिन अगर उनके सामने वही चॉकलेट का ऑप्शन रखा जाए तो शायद ही कोई इसे मना करेगा। इसका शानदार रंग, मखमली चिकनी बनावट, महक और स्वाद जैसे बहुत सारे गुण हैं जो आसानी से सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। और अगर हम चॉकलेट की बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले दिमाग में जो हमारे ब्रांड आता है वो है कैडबरी। यूं तो बाजार में आपको बहुत सारे चॉकलेट्स मिल जाएंगे, लेकिन कैडबरी जैसा कोई भी नहीं। चाहे बात करें इसके डेयरी मिल्क की या फिर फाइव स्टार की या फिर जेम्स को ही क्यों ना ले लें, इस चॉकलेट को टक्कर देने वाले इसके आसपास भी नजर नहीं आते। और इसके स्वाद के साथ साथ इसकी स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसे जानकर आपको बड़ा मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका ज्यादा समय लिए हम दुनिया पर कई दशकों से राज करने वाली चॉकलेट कंपनी कैडबरी की जर्नी को शुरू से जानते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है जॉन कैडबरी नाम के एक बच्चे से, जिसका जन्म करीब 216 साल पहले ब्रिटेन के बर्मिंघम में हुआ था। जॉन एक क्वाकर्स धर्म से ताल्लुक रखते थे और इस धर्म के लोगों की अपनी अलग ही मान्यताएं थी। वे चर्च या फिर किसी भी धार्मिक संस्था से नहीं जुड़े हुए थे। ईश्वर और अपने बीच उन्हें किसी के भी मौजूदगी पसंद नहीं थी। अपनी अलग मान्यता होने की वजह से उन्हें समाज में अलग नजरिए से देखा जाता था। ना ही उन्हें किसी अच्छे स्कूल में दाखिला मिलता और ना ही उन्हें कोई अच्छी जॉब, यहाँ तक कि वे सेना में भी नहीं जा सकते थे। उनके पास बचा खुचा सिर्फ एक ही ऑप्शन था, अपना खुद का बिजनेस करना। इसीलिए अपने धर्म के स्कूल में पढ़ाई करने के बाद जॉन कैडबरी अपनी पॉकेट मनी के लिए एक कॉफी शॉप पर काम करने लगे। और फिर आगे चलकर 1824 में उन्होंने अपना खुद का दुकान खोला, जहां वे कॉफी, चाय और चॉकलेट ड्रिंक बेचा करते थे। अगले कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद उन्हें पता चला कि चाय और कॉफी से ज्यादा उनके चॉकलेट ड्रिंक को लोग पसंद कर रहे हैं। और फिर 1831 से उन्होंने चाय और कॉफी को छोड़ सिर्फ चॉकलेट ड्रिंक पर फोकस करना शुरू कर दिया, जिससे डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लगी। और फिर उसी साल उन्होंने चॉकलेट ड्रिंक के ही करीब 16 और भी वैरायटी अपने मेन्यू में ऐड कर दिए। देखते ही देखते अगले 15 सालों में वे आसपास के सभी इलाकों में अपने स्पेशल कैडबरी चॉकलेट ड्रिंक के लिए प्रसिद्ध हो चुके थे। आगे चलकर 1847 में जॉन ने अपने भाई बेंजामिन को भी इस बिजनेस में शामिल कर लिया। और फिर दोनों ने मिलकर ब्रिज स्ट्रीट में एक बहुत बड़ा कारखाना खोला। दोस्तों कैडबरी शुरू से ही अपनी क्वालिटी के लिए जानी जाती है, इसीलिए 1854 में रानी विक्टोरिया ने उनकी कंपनी को रॉयल वारंट का सर्टिफिकेट दिया। दोस्तों बता दूं कि रॉयल वारंट का सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं उत्पादों को मिलता था जिनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती थी और जिन उत्पादों को राजा महाराजा भी अपने प्रयोग में ला सकते थे। धीरे धीरे कैडबरी अपने बेहतरीन उत्पादों की वजह से पूरे ब्रिटेन में प्रसिद्ध हो गई। और फिर 1860 के आसपास बिजनेस से संबंधित नोकझोंक होने की वजह से भाई बेंजामिन ने जॉन कैडबरी से अलग होने का फैसला किया, जिसके बाद जॉन की उम्र भी ढलती जा रही थी। और फिर उन्होंने कंपनी का कमान अपने दो बच्चों रिचर्ड और जॉर्ज को दे दी। दोस्तों किसी भी उत्पाद की सफलता को जारी रखने के लिए सबसे जरूरी है समय के साथ परिवर्तन। रिचर्ड और जॉर्ज ने कंपनी की कमान संभालने के बाद बहुत सारे नए नए परिवर्तन किए और वे काफी हद तक सफल भी रहे। पूरे ब्रिटेन में अपना कब्जा जमाने के बाद 1870 में कैडबरी को दूसरे देशों में भी भेजा जाने लगा। इसी बीच 11 मई 1889 को कैडबरी के फाउंडर जॉन कैडबरी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और फिर अगले 10 सालों में उनके एक बेटे रिचर्ड की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद बचे जॉर्ज कैडबरी, जिन्होंने अपने रिटायरमेंट से पहले एक ऐसा खोज किया जिसने कंपनी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। जॉर्ज ने 1905 में कैडबरी की मशहूर डेयरी मिल्क चॉकलेट का आविष्कार किया, जिसकी रिसर्च पे 1897 से ही कर रहे थे। जॉर्ज कैडबरी डार्क चॉकलेट के साथ कुछ नया बनाने के प्रयोग में लगे हुए थे। उन्होंने चॉकलेट पाउडर में चीनी और दूध मिलाया और जब इसके मिक्सचर को चखा गया तो इसमें कमाल का स्वाद था, और जब इसे सुखा कर चखा गया तो स्वाद और भी जबरदस्त हो गया था। और कुछ इसी तरह से कैडबरी की डेयरी मिल्क चॉकलेट बनी,
जो आज भी कैडबरी ब्रांड की सबसे चहेती चॉकलेट है। 1948 में आजादी के ठीक एक साल बाद कैडबरी ने भारत में भी दस्तक दी, और यहाँ भी वह अच्छे क्वालिटी और टेस्ट की वजह से लोगों की आदत बन गई। मौजूदा समय में कैडबरी भारत में चॉकलेट, कॉन्फेक्शनरी, बेवरेज, बिस्किट और कैंडी बनाता है। और अगर पूरे दुनिया की बात करें तो 50 से भी ज़्यादा देशों में कैडबरी के चॉकलेट का बोलबाला है। तो दोस्तों, देखा ना आपने, कैडबरी जैसी मल्टीनेशनल चॉकलेट कंपनी का नींव एक ऐसे व्यक्ति ने रखा जिन्हें ना तो अपनी मनपसंद स्कूल में पढ़ाई करने की आज़ादी थी और ना ही वो कोई अच्छी जॉब कर सकते थे, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प ही था जो उनकी बनाई हुई कंपनी आज इस मुकाम पर है। उम्मीद है कि आपको भी कैडबरी की सक्सेस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी